रायपुर के रायखेड़ा में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 70वां वार्षिक अधिवेशन का कार्यक्रम में भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने दाऊ खोड़स राम नायक और दाऊ केशरी लाल नायक स्मृति स्थल पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने बांधा तालाब के सौंदर्यीकरण करने के लिए और आत्मानंद स्कूल खोले जाने की मांग को पूरा करने की घोषणा की। वह इस दौरान समाज के प्रतिभा वन छात्र छात्राओं को सम्मान भी किया गया। यही तो पहले रायखेड़ा में जब माना तालाब है जेकर सौंदर्यीकरण करे व 50 लाख की मांग करे वो घोषणा करा था। दूसरा रायखेड़ा से देव वहां तक के पक्का पहुंच मार्ग 4 किलोमीटर तेरह घोषणा करा था, जिनमें सरपंच भी है, जनपद अध्यक्ष भी है और विधायक की भी सहमति, और साथ ही हमारे समाज वालों में से ये कहना चाहता हूं मैं, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम अभी बचे हैं, दरसीमा के, बरौदा बाजार के, भाटापारा के सब विधानसभा बचे हैं, मैं वहां सांस के सब समाज वाला में से मिला के मिलता हूं और बुला के मिलता हूं। मैं जिन भी समाज का जमीन नहीं है वहां जमीन देता हूं और जमीन जेकर जे समाज का है वहां भवन बनाए कर पैसा भी देता हूं। और रायखेड़ा में एक बड़ा तालाब है जिस सौंदर्यीकरण के लिए घोषणा की और यहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी इसको सड़क मानती थी तो मैंने घोषणा की और सभी किसान वर्ग से आते हैं उनके समाज से लोग सबके धान बिक्री सोसाइटियों में समुचित रूप से संचालित हो रहा है, सब लोगों ने संतोष दिया। खेड़ा नेवरा में बहुत धड़ल्ले से सरकारी जमीनों की अवैध उसका कब्जा हो रहा है लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। जानकारी थी मैं अभी एडीएम वगैरह है तो बोल देता हूँ।